It's not a game. It's a rich thing. हम लोग कुछ इंटरेस्टिंग बताएंगे आपको. हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल. हेलो. तो आज हम लोग बाहर जा रहे हैं बिकॉज आज बहुत अच्छा मौसम हो रहा है. फाइनली बहुत अच्छा मौसम हो रहा है और इतने दिन बाद बाहर जाने में पता नहीं कैसा लग रहा है. मतलब हाँ, मजा आ रहा है. और अभी क्या करने जा रहे हैं? तुम तो बहुत इंटरेस्टिंग बताने वाली थी. तो एक तो हम लोगों ने आज लंच नहीं बनाया क्योंकि बहुत दिन से हम लोग घर में ही खाना खा रहे थे, बाहर कुछ भी नहीं खा रहे थे बिकॉज ऑफ कोरोना एंड बिकॉज ऑफ घर का खाना हम दोनों को ही पसंद है. हम घर का खाना ही प्रेफर करते हैं. पर आज हम लोगों ने दो बार चाय पी ली है और नाश्ता कर लिया है तो हमने सोचा कि आज बाहर जाके यहाँ पर हाँ यहाँ नूडल बॉक्स टाइप का मिलता है तो वो खाएंगे और थोड़ी सी दीपक को शॉपिंग करनी है, जो इम्पोर्टेंट शॉपिंग है. मतलब फालतू की शॉपिंग नहीं. हाँ, ऑफिस के बैग की चेन टूट गई है तो बैग लेना है. तो इम्पोर्टेंट शॉपिंग है वो करेंगे. तो चलो आप लोग भी थोड़ा थोड़ा आपको वहाँ पर हाईलाइट्स दिखाते रहेंगे. सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो और नोटिफिकेशन बैल वगैरह वगैरह सारी चीज़ें. चलो लेट्स गो. इम्पोर्टेंट चीज़ मास्क, हर बार भूल जाते हैं हम लोग. तुम्हारा ले लिया कहाँ है? चलो लेट्स गो. देखो ये फुटपाथ पे चल रहे हैं और बीच बीच में छोटे छोटे पब कैफे वगैरह आ जाते हैं और जब ऐसा मौसम होता है बाहर बैठने वाला तो बहुत अच्छा लगता है. वो एनवायरनमेंट है ना दीदी, वो मौसम बहुत शानदार है. वही आज तो गर्म हो गया, बारिश हो गई. अभी ये देखना, इस कैफे का नाम है कैफे पेरेंटेस. तो मुझे जब मैं पहली बार आई थी तो मुझे लगा ये कैफे पराठा और मैं खुश हो गई. अरे दीपक, अपने घर के पास ही कैफे पराठा है. यहाँ तो पराठे मिलते हैं और पराठे यहाँ दूर दूर तक नहीं मिलते. मतलब मैं एक्चुअली जिस दिन मैं पहली बार इस धरती पे कदम लगाया था मैंने यही सोचा था वो शायद कैफे पराठा है जबकि उसका नाम है कैफे पेरेंटेस. चलो देखो अब हम अपनी फेवरेट शॉप पे जाएंगे और आज मौसम जैसे 19-20 डिग्री है तो इतने लोग दिख रहे हैं. चलो यहाँ पर मौसम हमारे लिए अच्छा होता है तो इनके लिए बेकार हो जाता है. कैसे हैं? बहुत अच्छे. ये इंद्रजीत ने लिए थे ये वाले. ये मैंने कपिल शर्मा को पहने देखा था किसी शो में. ये भी अच्छे लग रहे हैं. तो हम इस दुकान पे एक बैग के साथ आए थे और अब हमारे पास हमने एक बैग तो ले लिया है तो उस बैग के अंदर क्या क्या है वो घर चल के बताएंगे. बहुत सारा सामान ले लिया एक्चुअली तो उस बैग के अंदर है. इतनी देर से कम 2 घंटे हो गए. जो होता है लेने चप्पल आते हैं लेके कुछ और जाते हैं. हाँ राइट. उसकी गाड़ी कितनी अच्छी थी और वो कैमरा देख रहा था, हम उसकी गाड़ी देख रहे थे, वो हमारा कैमरा. इंसान के पास जो है वो संतुष्टि नहीं है. तो अब हम लोग जा रहे हैं कुछ खाएंगे और यहाँ पर जो पार्क है वहाँ पर बैठेंगे, थोड़ा चिट चैट करेंगे. तो चलते हो, चलो हमारे साथ. देखो यहाँ पर कोई तो गेम चल रहा है चेस का और दीपक खड़ा हुआ है नूडल की दुकान पे. ये है हमारे यहाँ का एशिया नूडल्स. दीपक यू वांट टू टेल समथिंग, क्या खाने वाले हो तुम? चिकन नूडल्स. चिकन नूडल्स. और मैं वेजिटेरियन नूडल्स. गिव मी यूज़ इट. जर्मनी में इस तरीके की एशियन स्टोर्स होती हैं तो जैसे जो अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप नूडल बॉक्स विद गिम्यूजे, गिम्यूजे का मतलब होता है वेजिटेबल्स, वो ले सकते हो. और अगर आप चिकन खाते हो तो चिकन और भी बहुत सारी डिशेस हैं. पर मैं बिकॉज वेजिटेरियन हूँ तो मैं हमेशा नूडल बॉक्स विद गिम्यूजे लेती हूँ. कभी कभी क्या होता है ना, ये लोग एग्स भी डालते हैं तो अगर आप एग नहीं खाते तो मना कर दो. कोई सा नहीं, सिर्फ रेड वाला, सिर्फ रेड वाला. देखो ये नूडल बॉक्स ऐसा हमने ले लिया है. अब मतलब सब लोग ऐसे ही करते हैं. अब कहीं भी अच्छी सी जगह बैठ के
और खाएंगे। हाँ, खा रहे हैं नूडल्स, वेज नूडल्स। आज का दिन तो कंपैरेटिवली बहुत अच्छे जा रहे हैं। आज वेदर बहुत सही है, मतलब पिछले एक वीक से इतनी गर्मी हो रही थी पागल हो गए कि आज तो बहुत अच्छा वेदर हो गया। तो गाइस हम लोगों ने खा लिया है, बहुत टेस्टी था। उसके बाद हमने फोटो शूट किया, जो कि आपको फोटोज इंस्टाग्राम पे मिलेंगे, मेरे तो मिल जाएंगे दीपक का, आई डोंट नो बट ही सेटिस्फाइड आज के फोटो शूट से। और अभी हम लोग थोड़ा और टाइम स्पेंड करेंगे यहाँ पर और उसके बाद आपको घर चल के बताएंगे बाकी का क्या करना है। तुम बताओ दीपक। मेरा एक और फोटो खींचो। ओके कार्टून गिरी करते हुए अब हम सब तमाशा देख रहे हैं। अब हम वहाँ जाएंगे, वहाँ एक्चुअली सब लोग फोटो खिंचा रहे हैं। ये वो जगह है जहाँ पर लोग फोटो खिंचा रहे हैं। अब इसमें क्या है पता नहीं, पर रात में ये कलरफुल हो जाती है बहुत। अभी देखने में बिल्कुल नॉर्मल सी जगह लग रही है। अब मैं यहाँ पर सुरभि का एक इंस्टाग्राम फोटो खींचूंगा, जो एडिट करने के बाद कैसा दिखेगा देखना आप। तो देखो मेरा कितना फोटो आया। अब ये एडिट होके इंस्टाग्राम पर जाएंगे तो हा हा हा। ये देखो सुंदर है, मैं इतनी अच्छी लगती नहीं। अब हम चल रहे हैं घर की तरफ, टाइम हो गया। तो भी किस चीज़ का? चाय का अब होगी चाय पर चर्चा। यार दीपक, ये वाली जो गाड़ी होती है इस पर कैसे घूमते हैं? टिकट ऑनलाइन कुछ रहता होगा उनका, सिटी टूर का पता नहीं, ऑनलाइन वेबसाइट पर मिल जाएगा। सही लगती है ना ये वाली गाड़ी जो है, फटफटी। इतनी अच्छी हवा चल रही है। तो सैटरडे इज गोइंग लाइक दिस। मैं इस गाड़ी की बात करती हूँ, अभी ये इंडिया होता तो दीपक क्या बोलते हैं, भैया यार वहां तक छोड़ दो। तो गाइस ये हमारा छोटा सा सैटरडे का दिन कैसा व्यतीत किया हमने, उसका एक छोटी छोटी सी झलक। वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करना और इंस्टाग्राम पे मेरे इस तरीके के पोस्ट देखना चाहते हो जो हम लोगों ने लिए, तो इंस्टाग्राम पे हम दोनों को फॉलो करना, पिक्चर्स भी देख सकते हो हम लोगों के, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। दीपक, मैं तुम्हारे कमेंट पढ़ रही हूँ पोस्ट पर। किसी ने तुम्हें कमेंट किया, यू रॉक, तुम पत्थर हो।